बच्चों, हम अपनी डेली लाइफ में अपने अधिकतर कामों के लिए विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो हम अपने कामों को टालते जाते हैं। आपको भी कभी स्कूल से होमवर्क मिला हो और आप नहीं कर पाए हो तो शायद आपने भी स्कूल जाकर अपने टीचर से ये बहाना बनाया होगा कि मेरे घर में कल इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाने लगी है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत वास्तव में ऊर्जा का एक रूप है जिसका आधार आवेश है। विद्युत को हम दो भागों में बांटते हैं, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। स्थिर विद्युत में हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। बच्चों, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, उनके बीच घर्षण किया जाता है, तो उनमें से एक वस्तु में से आवेश निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं और इस घर्षण में जो आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो रहा है वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ऋणात्मक आवेश होते हैं। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर जा रहे हैं वो वस्तु धनावेशित हो जाता है और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण आवेशों का स्थानांतरण होता है और उसके कारण उस वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, या यूं कहें कि उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं और इस प्रकार की ऊर्जा को हम कहते हैं स्थिर विद्युत ऊर्जा। इसका उदाहरण आपने देखा होगा, जब आप प्लास्टिक की स्केल को अपने सिर पर रगड़ते हैं, अपने बालों के साथ घर्षण करते हैं, उसके बाद उस प्लास्टिक की स्केल के सामने कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखे जाएं, तो वो कागज के टुकड़े उस स्केल में आकर्षित होने लगते हैं क्योंकि उस स्केल में स्थिर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो स्थिर विद्युत ऊर्जा आवेशों के स्थानांतरण के कारण ही वस्तु में उत्पन्न होती है, जबकि धारा विद्युत गतिशील आवेशों के कारण उत्पन्न होती है। जब किसी वस्तु में आवेश एक ही दिशा में गति करने लगते हैं तो उसकी इस गति के कारण वस्तु में धारा विद्युत उत्पन्न हो जाती है जिसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इस पाठ में बच्चों हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही जानेंगे। धारा विद्युत में गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है और ये आवेश जिस रास्ते पे गति करते हैं उस रास्ते को हम कहते हैं विद्युत परिपथ। बच्चों, आपने अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देखा होगा, इसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के नाम से जानते हैं। ये घरों में जो विद्युत परिपथ होते हैं आप देखे होंगे वो तांबे की तार के बने होते हैं। एक्चुअली धारा का प्रवाह धातुओं में आसानी से होता है क्योंकि धातु में ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हम जानते हैं परमाणु के अंदर तीन प्रकार के कण होते हैं, एक धनावेशित प्रोटॉन, दूसरा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, तीसरा अनावेशित जिसमें कोई आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के अंदर उसके नाभिक के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर नाभिक के बाहर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते होते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉनों को कुछ ऊर्जा दे दी जाती है तो एक निश्चित ऊर्जा को पाकर ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर भी निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद ये पूरे धातु में घूमने के लिए समर्थ होते हैं, ये पूरे धातु में चल सकते हैं किसी भी दिशा में। इसीलिए ही इन इलेक्ट्रॉनों को हम नाम देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि धातु के अंदर किसी भी दिशा में किसी भी वेग से चलने के लिए समर्थ होते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक चालक लेते हैं और इस चालक के अंदर जो बिंदुएं बनाई गई हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रही हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप यानी इस कमरे के ताप में किसी भी दिशा में किसी भी वेग से गति करने के लिए समर्थ होते हैं। तो यहाँ पर ये किसी भी दिशा में गति कर रहे हैं जिनको हमने ये अलग अलग तीर के निशान से दर्शाया है। जब ये किसी भी दिशा में गति करते हैं
तो उनकी कुल ऊर्जा शून्य हो जाती है, क्योंकि इनके गति की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। और जब परिणामी ऊर्जा हम निकालें तो उसका मान शून्य हो जाता है। इसीलिए ये विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते। विद्युत धारा तब प्रवाहित होगी जब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करेंगे। तो इन सारे इलेक्ट्रॉनों को एक ही दिशा में गति करवाना है। बच्चों, हम जानते हैं कि आवेश का एक गुण होता है कि दो समान आवेश, चाहे वो धन और धनावेश हो या ऋण और ऋण आवेश हो, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश यानी कि धन और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को गति कराने के लिए हम एक सिरे पर धनावेश रख देते हैं और दूसरे सिरे पर हम ऋण आवेश रख देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से प्रतिकर्षित होंगे और धन आवेश की ओर गति करने लगेंगे। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन धन आवेश की तरफ गति कर रहे हैं, यानी कि एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। और जब ये एक ही दिशा में गति करेंगे तब ये विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। बच्चों, इस धातु की तार में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने के लिए हमने एक साइड धनावेश रखा और दूसरे साइड ऋणावेश रखा, और इसी के कारण ही मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगे, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो गया। तो इसे हम कहते हैं विद्युत स्रोत। और ऐसे विद्युत स्रोत हैं सेल और बैटरी, जिसे आपने भी देखा होगा। यदि हम सेल को देखें तो उसके एक हिस्से पर प्लस लिखा रहता है और एक हिस्से पर माइनस। तो प्लस वाला जो सिरा है वो धनात्मक आवेश की तरह कार्य करता है, और माइनस वाला सिरा जो है वो ऋणात्मक आवेश की तरह कार्य करता है। और जब इसको हम किसी धातु की तार से जोड़ते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो इस धातु की तार में धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ये बता पाना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमने कभी भी धारा को प्रवाहित होते हुए नहीं देखा है। तो इस धातु की तार में धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, कैसे प्रवाहित हो रही है, ये बता पाना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमने कभी भी आवेशों को चलते हुए नहीं देखा है। हम आवेश को ही नहीं देख पाते तो उसे चलते हुए कहाँ से देख पाएंगे। इसलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। बच्चों, यदि दो बाल्टी में पानी रखा हुआ है, एक बाल्टी में पानी का स्तर अधिक है और एक बाल्टी में पानी का स्तर कम, और जब दोनों को हम नीचे से जोड़ दें तो यहाँ पर पानी का प्रवाह शुरू हो जाता है। जिस बाल्टी में पानी का लेवल अधिक है उस बाल्टी से पानी बहते हुए उस बाल्टी तक पहुँचता है जहाँ पर पानी का स्तर कम है। और ये प्रवाह कब तक होता है, जब तक दोनों बाल्टियों में पानी का स्तर बराबर ना हो जाए। सेम उसी प्रकार आवेशों का प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यहाँ पर विद्युत धारा के प्रवाह को समझने के लिए हमने पानी की जगह पर दो वस्तुओं में विद्युत आवेश लिए हैं, दूसरा पानी के स्तर के स्थान पर हमने विभव शब्द का इस्तेमाल किया है। तो जब दो वस्तुओं को जिनके विभव अलग अलग हैं, एक उच्च विभव में है और एक निम्न विभव में है, जोड़ा जाएगा तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होगा, जब तक दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। इसका मतलब ये है, जब दोनों के विभव बराबर हो जाते हैं तो आवेश का प्रवाह रुक जाता है, यानी कि विद्युत धारा भी शून्य हो जाएगी। इसीलिए विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए विभव का अंतर होना जरूरी है। और इस प्रकार का विभव का अंतर बनाए रखने वाले स्रोत को हम विद्युत स्रोत कहते हैं, जैसे कि सेल और बैटरी। और यही कारण है कि कुछ समय बाद इस बैटरी की ऊर्जा खत्म हो जाती है और विद्युत धारा का प्रवाह भी बंद हो जाता है। बच्चों, अभी हमने उदाहरण में आवेशों को जल से कंपेयर किया और विभव को जल स्तर से, क्योंकि जल को हमने प्रवाहित होते देखा है इसलिए हम उसे आसानी से समझ सकते हैं कि उसका प्रवाह किस दिशा में हो रहा है। लेकिन आवेशों को हमने नहीं देखा, इसलिए उसको समझने के लिए हमने इस उदाहरण को जाना, इस उदाहरण से हमने उसको कंपेयर किया। लेकिन याद रहे कि जल एक पदार्थ है लेकिन विद्युत ऊर्जा है।
बच्चों, अब हम एक और स्थिति लेते हैं जहाँ पर हमने पाइप को इस प्रकार खड़ा रखा है ऊर्ध्वाधर। अगर इसमें से पानी प्रवाहित की जाएगी तो वो कैसे प्रवाहित होगी? ऊपर से नीचे की ओर। अब हमने एक तार लिया है जिसमें कि बैटरी लगा दी है, जिसमें एक धन सिरा एक ऋण सिरा है, यानी कि उच्च विभव है और निम्न विभव। इसमें धारा का प्रवाह कैसे होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। मैं इसको इस तीर के निशान से दर्शा रही हूँ। यहाँ धन सिरे से लेकर ऋण सिरे की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। अब मान लीजिए इस पाइप को 20 से काट दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पर जल का प्रभाव बाधित तो होगा, पर फिर भी जल प्रवाहित होता रहेगा। अगर एक स्रोत से जल आ रहा है तो वो प्रवाहित होकर नीचे पहुँच ही जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर इस तार को काट दिया जाए तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ऐसा क्यों? अभी तक हमने विद्युत धारा को समझने के लिए इस जल का उदाहरण लिया था, पर यहाँ पर ये अलग प्रकार का व्यवहार कैसे हो गया? क्योंकि पानी पदार्थ का एक रूप है जबकि विद्युत ऊर्जा का एक रूप है, इसलिए यहाँ पर विद्युत का व्यवहार पानी की तुलना में अलग था। अब इस परिपथ से धारा प्रवाहित हो रही थी या नहीं, ये हमको पता कैसे चलेगा? हमने तो कह दिया कि धारा धन सिरे से लेकर ऋण सिरे की ओर प्रवाहित हो रही थी, पर यह प्रवाहित हो रही थी या नहीं, इसको पता करने के लिए हम इस परिपथ में बल्ब लगा देते हैं। और बल्ब लगाने के बाद इस तार को बैटरी के दोनों सिरे से जोड़ेंगे तो ये बल्ब जल उठता है। तो इस परिपथ को देखने के बाद हम ये जान गए हैं कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए हमें एक विद्युत स्रोत की आवश्यकता है, जैसे कि सेल और बैटरी, जो कि विभव अंतर बनाए रखते हैं। मतलब यहाँ पर धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो क्या केवल विभव अंतर ही काफी है विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए? अब हम एक और परिपथ देखते हैं। वही बल्ब और बैटरी है, लेकिन यहां से हमने तार को 20 से काट दिया है। आप बताइए, क्या यह बल्ब जलेगा? ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि यहां पर ये परिपथ टूटा हुआ है, या यूं कहें अपूर्ण है। इस परिपथ से हमको ये समझ में आ रहा है कि यदि परिपथ अपूर्ण हो तो यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो सबसे पहले इस परिपथ को हमको पूर्ण करना पड़ेगा। पूर्ण करने के लिए हम अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर इस्तेमाल करके देखते हैं, कभी पेंसिल, कभी तांबे की तार। तो आइए इस परिपथ को पूर्ण करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो चलिए आज मैं आपके सामने एक विद्युत परिपथ बनाती हूँ। इस विद्युत परिपथ को बनाने के लिए मैंने लिया है 3 LED लाइट्स। बच्चों, आप इस प्रयोग को बल्ब की सहायता से भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर लिया है 3 LED लाइट, और तीनों LED लाइट्स को मैंने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है, और यहाँ पर मैंने इनके दोनों सिरों को दो तार से भी जोड़ दिया है। अब देख सकते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर लिया है एक ट्रांसफार्मर जिसको मैंने जोड़ा है मेन स्विच से। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 220 से 240 वोल्ट तक की धारा को 12 वोल्ट में परिवर्तित करता है। अब जैसे मैं इस ट्रांसफार्मर को इस LED के तार से जोड़ूंगी, ये LED बल्ब जलने लगेगी। चलो इसे जोड़ कर देखते हैं। मैंने ट्रांसफार्मर के तार को इस LED के तार के साथ जोड़ दिया। अब मैं स्विच को ऑन करती हूँ। देखेंगे बच्चे, ये बल्ब जलने लगेगा। अरे ये क्या, स्विच ऑन करते हुए भी ये बल्ब नहीं जला, क्यों? अरे मैं तो इस तार को जोड़ना ही भूल गई थी, इसलिए बल्ब नहीं जला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परिपथ यहाँ पर अपूर्ण हो गया, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकी और ये विद्युत बल्ब नहीं जल पाया। अब इस परिपथ को हमको पूर्ण करना है। इसको पूर्ण करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक पेंसिल और एक तांबे का टुकड़ा। तो हम लोग दोनों का इस्तेमाल करते हैं, जोड़ के देखते हैं ये विद्युत बल्ब जलेगा या नहीं। सबसे पहले मैंने इस पेंसिल के टुकड़े को इस तार में जोड़ा। जोड़ने पर भी ये विद्युत बल्ब नहीं जल रहा है। परिपथ तो पूर्ण नज़र आ रहा है बच्चों, लेकिन ये विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा? क्योंकि ये जो पेंसिल है, इसका बाहरी हिस्सा लकड़ी का बना होता है, और हम जानते हैं बच्चों
कि लकड़ी विद्युत धारा की कुचालक होती है, जिसके कारण विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं हो पा रहा और ये बल्ब नहीं जल पा रहा। चलिए अब हम इस तांबे के टुकड़े को इस तार में जोड़कर देखते हैं, क्या ये विद्युत परिपथ पूर्ण होगा, क्या ये बल्ब जलेगा। मैंने इसके एक हिस्से को, एक सिरे को ट्रांसफार्मर के तार के साथ जोड़ा और दूसरे हिस्से को मैं इस एलईडी से आने वाली तार के साथ जोड़कर देखती हूँ। अरे वाह बच्चों, देखो ये बल्ब बिल्कुल जलने लगा है। इसका मतलब इस तांबे के टुकड़े को लगाते ही ये परिपथ पूर्ण हो गया और इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी और ये बल्ब जलने लगा। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ को पूर्ण होने से ही धारा प्रवाहित होती है और विद्युत बल्ब जलता है। बच्चों, इस प्रयोग को करके आपको कैसा लगा? उम्मीद है मज़ा आया होगा। आप भी इस प्रयोग को ज़रूर करें, पर एक बात का ध्यान रखें, इस प्रयोग को कभी भी आप डायरेक्ट स्विच बोर्ड पर लगा कर ना करें, क्योंकि आपके घरों में और विद्यालयों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट की होती है। हमने यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया है और हमने धारा को 12 वोल्ट में परिवर्तित किया है। आप यदि इस प्रयोग को करेंगे तो आप 9 या 12 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल करें, पर इस प्रयोग को करें ज़रूर, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो बच्चों, इस एक्टिविटी से हमने जाना कि केवल विद्युत स्रोत लगाने से यानी विभव अंतर देने से परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, बल्कि उस परिपथ को पूर्ण भी होना चाहिए। और किसी भी पदार्थ को यदि हम परिपथ में जोड़ दें तो वो परिपथ बंद जरूर दिखता है, पूर्ण जरूर दिखता है, पर वो पूर्ण नहीं होता। तो यूं कह सकते हैं कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए विभव अंतर और पूर्ण परिपथ होना चाहिए। बच्चों, इस एक्टिविटी में हमने देखा कि कुछ वस्तु को लगाने से बल्ब जल उठ रहा था, यानी कि परिपथ पूर्ण हो रहा था, या यूं कहे तो वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, और कुछ वस्तु को जब हम लगाए तो वहां पे बल्ब नहीं जल रहा था, यानी कि परिपथ अपूर्ण था, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। इसी आधार पर हम पदार्थ को तीन भागों में बांटते हैं, एक चालक जो कि विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कि ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी कारण यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। और चालक के अच्छे उदाहरण हैं धातु। सभी धातु अच्छे चालक होते हैं, लोहा, सोना, तांबा, पीतल, चांदी, ये सारे विद्युत का चालन करते हैं। और हमारे घरों में हम तांबे की तार का इस्तेमाल करते हैं। ये तांबे की तार का इस्तेमाल उसके विशेष गुण के कारण किया जाता है, जिसकी चर्चा हम हायर क्लासेस में करेंगे। दूसरे प्रकार के पदार्थ वे होते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह कभी भी नहीं करते, किसी भी स्थिति में नहीं करते। ऐसे वस्तुओं को, ऐसे पदार्थ को कहा जाता है कुचालक, यानी कि विद्युत रोधी। एक्चुअली इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं, इनका अभाव होता है, इसलिए किसी भी स्थिति में ये विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर लकड़ी, प्लास्टिक, रबर इत्यादि। इसलिए तो जब किसी व्यक्ति को बिजली का झटके लग रहे हो, वो तार से चिपक गया हो, तो हम उसको डायरेक्ट छूकर नहीं छुड़ाते, ना ही किसी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, बल्कि हम वहाँ पर लकड़ी या रबर जैसी चीज़ को लेकर आते हैं और उसके हाथ पर वार करते हैं ताकि वो बिजली के तार से अलग हो जाए। आपने देखा होगा जो बिजली का काम करते हैं वो लकड़ी के स्टूल पर खड़े होकर काम करते हैं, या फिर प्लास्टिक की चेयर पर खड़े होते हैं और रबर की चप्पल पहनते हैं ताकि उनको बिजली के झटके ना लगे। इस गुण के आधार पर जो तीसरे प्रकार का पदार्थ है वो है अर्धचालक। इसमें कम ताप में आवेशों की संख्या कम होती है और अधिक ताप में आवेशों की संख्या अधिक होते जाती है, इसलिए ये कम ताप में कुचालक की तरह काम करते हैं और अधिक ताप में ये चालक की तरह काम करते हैं। और ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं अर्धचालक, जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है। इसके उदाहरण हैं सिलिकन, जर्मेनियम, और इन अर्धचालक के बारे में भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और इस प्रकार ये स्पष्ट है कि आवेशों के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा होती है।
इसलिए विद्युत धारा का सूत्र देखें तो ये होता है आवेश बटे समय, यानी कि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा को हम I से दर्शाते हैं, आवेश की मात्रा को Q से और समय को T से। तो सूत्र बनता है I बराबर Q अपॉन T। अब विद्युत धारा का SI मात्रक देखते हैं। आवेशों को हम कूलाम से नापते हैं और समय को सेकंड में। तो यहाँ पर SI मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड, और कूलाम प्रति सेकंड को हम एक नया नाम देते हैं एम्पियर। एम्पियर वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए विद्युत धारा के मात्रक को उनके नाम के आधार पर एम्पियर ही कहते हैं, और इसे हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर आवेश का की मात्रा यदि एक कूलम लो और समय एक सेकंड लो, यानी कि किसी चालक तार में एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस समय यहाँ पर विद्युत धारा का मान एक एम्पियर होगा। तो इस प्रकार हम एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं। किसी चालक तार में एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान एक एम्पियर कहलाता है। हम विद्युत धारा के लिए और दूसरे मात्रक को कभी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। एक मिली एम्पियर बराबर होता है 10^-3 एम्पियर, जबकि एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10^-6 एम्पियर। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमको धारा के मान मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में भी देखने को मिलते हैं। तो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना होता है तो हम इस मिली और माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं इसी सूत्र अनुसार। किसी भी परिपथ में यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसको नापने के लिए हम एक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं और उस उपकरण को अमीटर कहते हैं। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत धारा का मापन किया जा सकता है। बच्चों, आप अपने स्कूल के लैब में भी अमीटर को देख सकते हैं। ये एक ऐसा उपकरण है जो काले रंग का होता है और बीच में सफ़ेद रंग का होता है, जिसमें खांचे बने होते हुए और इसमें सुई होती है जो कि इन खांचों पर मूव कर सकती है। आप जब भी इस प्रकार का उपकरण देखेंगे तो उसमें देखिए किसी में ए लिखा होगा। ए लिखा है मतलब वो अमीटर धारा का मापन एम्पियर में करता है। एम ए लिखा होगा मतलब उस उपकरण से हम धारा का मापन मिली एम्पियर में कर पाएंगे। किसी में माइक्रो एम्पियर लिखा होगा म्यू ए, मतलब उस उपकरण से धारा का मापन माइक्रो एम्पियर में किया जाएगा। ये जो अमीटर होता है ये परिपथ में सदैव ही श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब ये श्रेणी क्रम क्या होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बच्चों, विद्युत परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसको नापने के लिए हम एक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम अमीटर के नाम से जानते हैं। वैसे विद्युत परिपथ बनाते समय बहुत सारे घटक उसमें लगाए जा सकते हैं। अब जब ये घटक विद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं और जब इसको हम चित्र द्वारा दर्शाते हैं तो इन उपकरणों को चित्रों में बार बार दर्शाना हमारे लिए संभव नहीं होता। इसलिए हर उपकरण के लिए इन घटकों के लिए कुछ न कुछ चिन्ह बना दिए जाते हैं और चिन्हों की सहायता से हम इसको परिपथ में दर्शाते हैं। तो आइए विद्युत परिपथ में जोड़े जाने वाले कुछ विद्युत घटक और उसके चिन्हों को देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। ये एक विद्युत स्रोत है जो कि विद्युत धारा प्रवाहित करता है। आपने देखा होगा सेल के एक हिस्से में प्लस लिखा होता है और दूसरे हिस्से में माइनस। जब इसे हम विद्युत स्रोत में जोड़ते हैं तो इसका परिपथ चिन्ह इस प्रकार बनाया जाता है। एक लंबी रेखा खींची जाती है और एक छोटी रेखा। लंबी रेखा इस सेल के धन सिरे को दर्शाती है जबकि छोटी रेखा माइनस सिरे को। इसलिए हम एक लंबी रेखा छोटी रेखा के सामने प्लस और माइनस लिख देते हैं। अब दूसरा बैटरी। एक्चुअली बैटरी सेलों के संयोजन से बनता है। एक सेल के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, तो जब हमको ज़्यादा विद्युत ऊर्जा चाहिए होती है तो हम सेलों को संयोजित कर देते हैं और सेलों के संयोजन से हम बैटरी बनाते हैं। तो इस बैटरी का परिपथ चिन्ह इस प्रकार होगा। हम यहाँ पर
एक बड़ी रेखा, छोटी रेखा, बड़ी रेखा, छोटी रेखा खींच देंगे, यानी कि यूं समझो यहाँ पर सेलों का संयोजन कर दिया गया है। ये बड़ी रेखा धन सिरे को दर्शाएगी और ये छोटी रेखा माइनस सिरे को दर्शाएगी और यहाँ पर बहुत सारे सेल जोड़े गए हैं, ये माना जाता है। तीसरा है, परिपथ को बनाने के लिए तार की आवश्यकता होती है, यानी कि संयोजी तार। तो संयोजी तार को हम इस प्रकार की लाइन से दर्शाते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि तारों को जोड़ा जाता है और जोड़कर संधि बनाई जाती है, जहाँ पर दो तीन तार एक ही बिंदु पर जुड़े हों, तो इसको दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। एक आड़ी रेखा खींचेंगे और बीच में से खड़ी रेखा, तो ये जो बिंदु है वो संधि को दर्शाता है। नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब को जब हम परिपथ में दर्शाते हैं तो इस प्रकार के चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है स्विच, जो आप बंद या चालू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये दो तरीके से दर्शाया जाता है, या तो हम दो बिंदुओं के बीच में एक रेखा खींचते हैं या तो फिर इस प्रकार एक ब्रैकेट डालते हैं। यहाँ पर भी स्विच दो स्थिति में हो सकता है, मतलब स्विच चालू हो या फिर स्विच बंद हो। जब स्विच चालू है मतलब परिपथ पूर्ण हो रहा है, उस कंडीशन में ये रेखा जो है वो नीचे की ओर टच करेगी, और जब स्विच बंद है यानी कि परिपथ टूटा हुआ है तो ये स्विच ऊपर की ओर होगा। वैसे यदि ब्रैकेट में दर्शाएं, इसके अंदर एक बिंदु होगी, इसका मतलब वो स्विच ऑन है, और यदि बिंदु नहीं हुआ तो स्विच ऑफ की स्थिति में होगा। अब बात करते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पर उसको इस तरीके के चिन्ह से दर्शाया जाता है। ये जिगजैग रेखा प्रतिरोध को दर्शाती है। प्रतिरोध दिखने में कुछ इस प्रकार होता है, जब कोई पुराना चार्जर या रिमोट टूट जाए और उसके अंदर आप देखें तो इस प्रकार के घटक आपको देखने को मिलेंगे, ये प्रतिरोध होता है। यदि हम इस जिगजैग रेखा के ऊपर एक तीर का निशान डाल दें तो ये परिवर्ती प्रतिरोध को दर्शाता है, मतलब ऐसा प्रतिरोध जिसके मान में परिवर्तन हो रहा हो। नेक्स्ट है अमीटर। अमीटर अभी मैंने बताया एक ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत धारा का मापन करता है। इसे हम एक गोला लगाकर ए लिख देते हैं अंदर, जिसमें एक प्लस साइन और दूसरे साइड माइनस का चिन्ह लगा होता है। अब बच्चों अपने लैब में इस प्रकार का उपकरण देख सकते हैं। ये काले रंग का होता है जिसके बीच में सफ़ेद होता है और इस सफ़ेद वाले में कुछ खांचे बने होते हैं, पैमाने बने होते हैं, और इसमें एक सुई होती है जो इस पैमाने में चल सकती है। ये उपकरण धारा का मापन करता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ए लिखा रहेगा, ए अमीटर के लिए। कभी कभी आप देखेंगे इसमें एम ए या म्यू ए भी लिखा होगा। एम ए मिली एम्पियर के लिए और म्यू ए माइक्रो एम्पियर के लिए, मतलब एक में आप एम्पियर में मापन कर सकते हैं, दूसरे में मिली एम्पियर में धारा का मापन होगा और तीसरे में माइक्रो एम्पियर में धारा का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का चिन्ह परिपथ में इस प्रकार बनाया जाता है, गोले के अंदर वी लिखा जाता है, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस। ये उपकरण भी आपके लैब में देखने को मिलेगा। ये भी अमीटर जैसे ही दिखता है देखने में, ब्लैक रंग का उपकरण होगा, बीच में सफ़ेद होगा और इसमें भी वैसे ही खांचे बने होंगे और सुई होगी जो कि इस खांचे पर मूव कर सकती है, पर यहाँ पर अंदर में वी लिखा होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर विभव का मापन करता है इसलिए यहाँ पर वी लिखा होगा। कभी कभी आप देखेंगे ये एम वी भी लिखा होता है, यानी कि मिली वोल्ट में भी विभव का मापन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूज़। फ्यूज़ के लिए हम इस प्रकार दो गोले और उन दोनों को जोड़ने वाली एक रेखा का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज़ क्या है इसके बारे में भी चर्चा हम आगे करेंगे।